अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी रात के बज रहे हैं 2:30 एंड आज मैं इधर आई अम्मी लोग के घर। तानिया भाई, सन्या सब लोग आ रहे हैं कतर से, और सिंह भाई शामिन तो आ गए हुए हैं। सो अभी बस उन्हीं का वेट कर रहे थे। आइसोलेशन को अभी हवी सुला कर आई हूँ मैं नीचे, और शामिन ऊपर जैनब को सुला रही है। तो अब बाकियों का वेट है। सिंह भाई रेडी एयरपोर्ट चले गए हुए हैं और बस आने वाले होंगे अब तक। तो तभी सब आते हैं तो फिर मैं दिखाती हूँ। और मैं आज रात को ही आई थी, आज को 10 बजे आई थी, और आकर बस बच्चों ने खेला है फुल। और अभी 2 बजे इशलाइजल और जैनब को हम लोगों ने सुलाया। तो इशलाइजल तो सो गई और जैनब अभी नहीं सोई थी, शायद उसको सुला रही है। और बस अभी आने वाले हैं सब, फुल एक्साइटेड, फुल वेट है सबका। और अभी आती हैं बहनें तानिया बजे संगा, जो मेरी दो, जिनको नहीं पता, जो मेरी दो बड़ी सिस्टर्स हैं, वो कतर होती हैं। सो उन लोगों ने आना आज। और भाई का तो पता ही है, सिंह भाई का, वो तो आगे हुए हैं। और शामिन का भी सबको पता है, वो भी आगे हुए हैं, क्योंकि मैं दुबई वाले ब्लॉग में शामिन और सिंह भाई का तो सबको पता चल गया होगा, जिन्होंने मेरे ब्लॉग्स देखे हैं वो वाले। और ताने वाले सिन्हा बहुत कम आए हैं, वो अरीज की शादी पे, जिन्होंने मेरे वो शादी वाले ब्लॉग्स देखे होंगे उनमें वो दोनों सिस्टर्स आई हैं। और आइसोलेशन को सुबह दिखाऊंगी क्योंकि वो लोग सो रही हैं, बहुत मुश्किल से सोई हैं, सो नहीं रही थी, 2 बज गए थे, बहुत लेट हो रहा था। मैं इनका, जब बहनें आएंगी तो उन्होंने तो रोना ही है। 10 seconds later. तो फाइनली आ गए, एक गाड़ी ये आ रही है और एक और आ रही है। सब चलते हैं बाहर और मिलते हैं सबसे। और इधर The next day. आइसोलेशन की फाइनली दोस्ती हो गई है। बच्चों से तो जल्दी हो जाती, बड़ों से थोड़ा सा टाइम लेती हैं, बड़ों से इतनी जल्दी नहीं करती। अभी इधर खेल रही हैं, बस खाना खाने लग गए हैं। ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट किया था, अभी 3 बज गए हैं। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया था 11, गेस्ट आइसोलेशन ने तो लेट किया था, लेट उठी थी। तो बस अभी खाना खाते हैं और बाकी सभी बाय बाय बैठे हुए हैं। बहुत लेट हो गया था, हम लोग आई गेस 5:30 to 6 सोए थे। और यस, और सुबह जल्दी उठ गए थे, फिर उठ के सब ने इकट्ठे ब्रेकफास्ट किया, हलवा पूरी नान चने। मच लेटर अभी हम लोग आए हैं तस्वीर को क्या को डिनर, और ये जाना बड़े फेमस आ रहे हैं। फिर अभी बस ऑर्डर करने लगे हम लोग सब आए हैं अभी, और बस अभी भी आए हैं। और ये जो एम एम आलम वाला है तस्वीर आए हैं, और अभी बस ऑर्डर करते हैं। और फुल भूख भी लगी हुई है, और शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, एक्सट्रीम गर्मी के मतलब बहुत ही ज़्यादा। इधर है आइज़ल, फेज़िशल, अलिश्का और इशल, हाँ यस इशल। आइज़ल लुक एट मामा, आइज़ल हाय। इधर आइसोलेशन फुल बिजी है अपना पास्ता खाने में, और ये मेरे से नहीं खा रही हूँ, खुद ही खा रही हूँ। इनको मैंने डाल दिया है हैंक्स फुल इनके और सब, लेकिन इट्स ओके, मैं इनका खा लें खुद ही। और ऑर्डर भी आ गया बस। सो इधर ऑर्डर आ गया है, और बाकी सबका भी आ रहा है बस। किस बस खाना खा लिया, हम लोग बस घर जा रहे हैं। और लेट्स गो। व्हाट हैपेंड जेनू? द नेक्स्ट डे के लिए हेयर कट के लिए आई थी। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं लाजमी ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन इन्होंने इतना एक्सट्रीम तंग किया है, इतना एक्सट्रीम तंग किया है ना, कि बस मतलब बहुत मुश्किल से इनका मैंने हेयर कट करा, क्योंकि लेंथ मैंने थोड़ी सी छोटी करवा दी, ज़्यादा नहीं करवाई क्योंकि समर या पोनी की वजह से, लेकिन थोड़ी सी छोटी करवा दी। और रो रो के इनकी हालत ही हो गई है। इशर बस हो गई, और बाकी लोग भी आ रहे हैं। तानिया भाई, सन्या, इवन से अपने भी हेयरकट करा दो, सब इकट्ठे आए हैं हम लोग। साथ रिश्वा को लेकर आए थे, एक को रिश्वा उठा रही, एक को मैं उठा लूँगी, बाकी तीनों का हेयर कट था। डू यू लाइक योर हेयर कट? यस यस। सन्या का भी हेयर कट हो गया, और उधर तानिया भाई का और इधर अरीज का। द नेक्स्ट मॉर्निंग कल आकर मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, एक्स्ट्रा डाउन थी, फीवर हो गया था, हाई फीवर। और मैं आती सास सो गई थी, और ऐसे ही था, मतलब रात तक मैंने पैनाडॉल और काफ़ी स्टन से खाया। उसके बाद फिर अभी सुबह उठ के मैंने पैनाडॉल लिया, बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई थी, और अब थोड़ा सा बेहतर है। पैनाडॉल ली थी, उसका थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। और अभी बस मैं आइसोलेशन को शावर देने लगी हूँ।
आज सुबह शावर दिन लेकिन बहुत ज़बरदस्त मौसम है, आज फैन के जाते हैं इसी के बिल्कुल जाते फुल ठंडी हवा और इस हेयर वेट इट्स आई विश इट्स ओके आपके हेयर ऑलरेडी टाइम इट्स ओके अगर वेट हो गया आंटी ने ओके इसको कल का याद है कि कल इसकी जो कटिंग हेयर कट किया तो आंटी ने क्या मुझे कल से याद है इसको हेयर में बारिश हो रही है एंड वेदर इट्स सो सो गुड A few moments later. ऐसे ईश्वर ने शावर ले लिया और अभी अपनी किचन सेट के साथ बिजी हैं थोड़ी देर मैंने बस खाना खिलाएंगे और अभी भी बारिश हो रही है मुझे लगता है रात से ही बारिश हो रही है और ये साइज़ इनकी वाटर बॉटल्स हैं वो पड़ी हुई हैं लेकिन ये वाटर बॉटल से बहुत कम पीती हैं अब सबको देखे हुए ग्लास में शुरू होंगे ग्लास में इनको मज़ा आता पीने का आप जो बोलेंगे रिपीट करेंगे ओके शर ओके फाइन आपको क्या हो गया है ना प्लीज अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क सब बच्चे फुल रश आज पार्क में मुझे ही लगता है इन लोग के टर्न आएंगे झूलों की बस यही वाला भी मिले बाकी सब फुली बुक्ड है मतलब फुल रश है फुल थक गए बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है हम सब खेल रहे थे किचन कैच एंड ग्रेडी गो सुबह से भी जाते हैं और इन लोगों को तो आज ज़्यादा बिठाते हैं उसके आप घर चलते हैं आई से फाइनली स्विंग्स फ्री हो गए हैं यस गो फाइनली सब स्विंग्स फ्री हो गए हैं सब लोग चले गए हैं मच 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 लेटर सब शादी की मूवी देख रहे हैं सब फुल बिजी देख रहे हैं ये बहुत मजे का है